नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है पीएफसी का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। आफ्टर मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन प्राइस देखिए यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया था ईयर 2023 में। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि लार्जर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द ब्रेकआउट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन होगा ना, ब्रेकआउट भी उतना बड़ा होगा। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था 110 के आसपास आया था। एंड देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड यहाँ पे स्टेबल किया था। जैसे कि हम प्रीवियसली भी एनालिसिस किए हैं, प्राइस एक बार स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म करने के बाद प्राइस को रेस्ट चाहिए। एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहां पे कुछ मंथ से रेस्ट ले रहा था, फाइनल यहां पे रेंज को ब्रेकआउट किया है। एंड डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कांस्टेंट क्या है, कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे कि आपको पता होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बॉटम में बनता है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बॉटम में यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो वहां पे हम बाइंग करते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड का बीच में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, उसको बोला जाता है कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे कि देख सकते हैं ये था अप ट्रेंड था। एंड प्राइस देखिए डेली टाइम फ्रेम में टॉप में कंस्ट्रक्ट किया है कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बुलिश पैटर्न है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, एंड ये हो गया उसका राइट शोल्डर, एंड जो ब्लू लाइन जा रहा था ना उसका नेक लाइन। एंड यहां पे कंटिन्यूएशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को प्राइस यहां पे एक्टिवेट कर दिया है। एंड स्ट्रांग ब्रेकआउट के साथ यहां पे कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। एंड जिस टाइप का आज कैंडल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। बस रिस्क को डिफाइन करने के लिए उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वहां पे हम एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, जो कि बिलो 384। अगर प्राइस यहां पे 384 लेवल को ब्रेक कर लेता है, उसी केस में चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस 550 को टेस्ट कर सकता है। एंड टारगेट मेजर करने के लिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है। उसी केस में हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 512 का 1.272 का फिबो लेवल एंड 1.618 का फिबो लेवल 555। हाई प्रोबेबिलिटी की 512 एंड 555 लेवल को प्राइस टेस्ट कर सकते हैं। बस प्राइस उसका प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि लेवल बन रहा है बिलो 385 का। उस हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। उसके साथ अगर आरईसी का चार्ट सेटअप देखेंगे, आरईसी देखिए आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेअर किया है एंड नेट प्रॉफिट जो यहां पे नियरली अप हुआ है 34% एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई यहां पे 25% का जंप देखने को मिल रहा है। उसके साथ जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। जैसे कि पीएससी स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन किया था, एग्जैक्टली आरईसी स्टॉक का प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन किया था। यहाँ पे टाइम फ्रेम में ओपन किया हूँ वीकली एंड मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ था एंड आज यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके साथ कंपनी जो आज यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, इसको वेलकम किया है, क्योंकि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 25% का जंप देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लगभग 34% का जंप देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव साइन है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसके साथ प्राइस स्ट्रक्चर भी बुलिश है। देखिए आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड प्राइस यहाँ पे रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था, जिस रेंज को आज स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया है एंड जिस टाइप का कैंडल कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है एंड आपका टारगेट बनेगा। इसलिए अभी हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को। अगर यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है 1.618 का 590, प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में 590 एंड 590 को ब्रेक करने के बाद 2.600 का फिबर लेवल 700 इस दोनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है। बस आपका काम है क्वांटिटी को मैनेज करना एंड रिस्क को मैनेज करना। मैं आशा करता हूं आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।